वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स आइए, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। और हमने प्रीवियस क्लासेस में कुछ डेफिनेशंस की हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग। आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स, कुछ कैपिटल्स पढ़ेंगे कंट्रीज़ की और शॉर्ट आंसर्स अपने स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन आंसर्स। आइए स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और आगे वीडियोस से अपडेट रहें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल्स पढ़ेंगे कुछ, और ये रही आपके सामने कैपिटल्स। तो इंडिया, जिस देश में हम रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, इंडिया की कैपिटल है हमारी दिल्ली, या फिर न्यू दिल्ली भी बोल सकते हैं। अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल। अफ़गानिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान से जुड़ा हुआ देश है, और यहीं से ही सारे जितने भी हमारे मुग़ल एम्परर्स आए हैं सब यहीं से ही आए हैं। नेक्स्ट, चाइना की जो है कैपिटल वो है बीजिंग। और भूटान की कैपिटल है थिम्बू। भूटान में मोनार्की सिस्टम चलता है स्टूडेंट्स, मोनार्की गवर्नमेंट, वहाँ पे राजा वाला सिस्टम चलता है और वही राजा डिसीजन लेता है अपने देश में लोगों के भले के लिए। पाकिस्तान की है कैपिटल इस्लामाबाद। स्टूडेंट्स अब हम मूव होते हैं कुछ शॉर्ट आंसर्स की तरफ, और सबसे पहले शॉर्ट आंसर्स की बात करें तो सबसे पहला लिखा हुआ है, व्हाट आर द मीन्स अडॉप्टेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। अशोका ने वो कौन कौन से मेजर्स अपनाए, वो कौन कौन से तरीके अपनाए जिससे कि वो अपने धम्मा के मैसेज को अलग अलग जगह पे फैला दे, क्योंकि हमें पता है उसने लास्ट जो वॉर लड़ा था अपनी ज़िंदगी में वो था बैटल ऑफ कलिंग। कलिंग जो था पहले ओडिशा वाले एरिया को ही बोला जाता था, और ये 261 BC में लड़ा गया था, इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, लाखों लोगों की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब लास्ट में उसने एक्सेप्ट किया कि भाई हम अब बौद्ध धर्म अपनाते हैं, गिल्ट फील किया था उसने। तो वो कौन कौन से तरीके लिए लोगों के, पहले अशोका ने अपने आप को, जो लोग जो थे उसको चंड अशोका भी बोलते थे, क्योंकि उसने क्या है बहुत सारे लोगों की हत्याएं करी थी, नरसंहार मचा दिया था, तो इससे लोगों में क्या है उसका नाम फेमस हो गया था, अशोक की जगह चंड अशोक। अब लोग नेगेटिव ही सोचते थे अशोका को कि भाई ये भी कैसा राजा है जो पूरे इंडिया पे राज करना चाहता है। तो लोगों के मन में नेगेटिव थिंकिंग हो गई थी, क्योंकि राज करने के लिए वो लोगों की हत्याएं करता था, एरियाज को खाली करवाता था। अब लोगों के माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। अब बौद्ध धर्म को प्रोवाइड जो उसने मेजर्स लिए वो कौन कौन से थे, कौन कौन से प्रमोशन किया उसने अपने धर्म का, बौद्ध धर्म का, आइए जानते हैं। ही अपॉइंटेड ऑफिसर्स नोन एज धर्म महामंत्राज टू स्प्रेड एंड एक्सप्लेन द मैसेज ऑफ धर्म। उसने अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, जिसको हम धर्म मंत्रा महामंत्राज भी बोलते हैं, वही बौद्ध धर्म के भिक्षु जो थे वही लोग उस बौद्ध धर्म को फेमस कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे अलग अलग कंट्रीज़ में। महादेव वो महेंद्र वर्मन जो था उसका बेटा और उसकी बेटी भी थी, वो सारे लोग अपने श्रीलंका में उन्होंने प्रमोशन किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। कुछ इजिप्ट के कंट्रीज थे चाइना की तरफ, तो ऐसे करके बौद्ध धर्म धीरे धीरे फेमस हुआ। सेकंड इसमें बोला गया है, ही रोट हिज मैसेज ऑन रॉक्स एंड पिलर्स विच आर इरेक्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्पायर। अब उसने जो मैसेज लिखवाए थे, उपदेश बहुत बढ़िया बढ़िया, वो उसने कुछ पत्थरों पे भी जड़वा दिए थे, लिखवा दिए थे, और वो पिलर्स और पत्थर जो हैं चट्टाने, वो कहाँ पे बहुत सारी जगहों पर
खनन की गई उन चीज़ों को और एक्सट्रैक्ट करके वो सारी निकली चीज़ें, और उसमें देखा गया था कि अशोक की टाइम की कुछ स्टोरीज दी हुई हैं वहाँ पर, जो ड्राइंग्स जो बनी हुई हैं वो गेरी हुई हैं उसने, और मैसेजेस भी फैलाया हुआ है, और राइटिंग जो यूज़ थी वो प्राकृत भाषा थी जो कि हर इंसान को समझ में आ जाए, और उसी भाषा का ही उसने अपने बोलें तो ये सारे मैसेजेस लिखवाए रॉक्स पे, उसी को ही हम बोलें तो ये हमारे इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है। इंस्क्रिप्शन अभिलेख होते हैं जिनको क्या है मैसेजेस, कुछ स्टोरीज, पास्ट इवेंट्स जो हैं वो पत्थर पे लोग लिखवा देते थे, जिससे कि लोगों में लोगों को पता चले कि हमारे टाइम पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ घटी हैं। और यही जो भाषा जो यूज़ गई की गई थी वो प्राकृत भाषा यूज़ की गई थी उसमें, लोग समझ सकें, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो भी जितने भी बुक्स लिखी गई हैं ग्रंथ, वो सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेम द फोर ग्रुप्स इनटू विच लेटर वैदिक सोसाइटी वाज डिवाइडेड, वो कौन कौन से ग्रुप्स थे, कैटेगरीज थी जो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी बटी हुई थी, लोगों को, समाज के लोगों को डिवाइड कर दिया था। वो हमारे चार तरह के, फोर टाइप्स ऑफ ग्रुप होते हैं। सबसे पहले की बात करें ब्राह्मण, और ब्राह्मण हमारे ब्राह्मण ग्रुप में हमारे प्रीस्ट आते हैं, पंडित और टीचर्स आते हैं, गुरु, तो ये इस कैटेगरी में लोग आते थे। इनका काम क्या था, रिलीजियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते थे, जितनी हमारी पूजाएं हैं, सारे रिचुअल्स जो थे, रीति रिवाजों को फॉलो करते थे, और भगवान का मैसेज स्प्रेड करते थे ब्राह्मण लोग। जैसे कोई भी इंसान अपने, ये पहले पुराने टाइम पे यज्ञ करवाए जाते थे, अशोक यज्ञ, और फायर अल्टर्स में होते थे वो, हवन कुंड भी करवाए जाते थे, तो ये कौन लोग करते थे, ब्राह्मण लोग करते थे। इसमें सभी पुरोहित आते थे, प्रीस्ट, पंडित और जितने हमारे टीचर्स हैं, गुरु, ये सभी ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड है हमारी क्षत्रिय। क्षत्रिय नाम से ही पता चल रहा है ये ठाकुर थे, और इनका मेन काम क्या था, अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करना, मतलब ये अपने, इनकी मेन ड्यूटी थी, और ये चीफ कमांडर बोले जाते थे, यानि कि सेनापति, सेना का जो मेन हेड जो होता था उसको सेनापति बोला जाता है। और इसका काम क्या था, अपने एरिया में जो भी लोग हैं उनकी रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना, तो ये इनका धर्म था, उसी को क्षत्रिय कर्म को ही धर्म मानते थे। इनका धर्म था कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। थर्ड कैटेगरी हमें दी हुई है वैश्य। वैश्य में हमारे ट्रेडर्स, मर्चेंट्स आते थे, और कुछ एग्रीकल्चरलिस्ट भी आते थे, फार्मर्स वगैरह, तो वैश्य में ही आते थे। इनका मेन काम क्या था कि भाई जो भी हैं हमारे समाज में पूर्ति, कोई फूड सप्लाई प्रोवाइड करना है फूड ग्रेन्स को, तो ये वैश्य लोग इनमें आते थे, और यही खाते थे खाना वगैरह। ट्रेडर्स आते थे, बिजनेसमैन्स आते थे इसमें, व्यापारी। लास्ट है हमारी कैटेगरी शूद्र। शूद्र में स्टूडेंट्स हमारे, ये इनकी ड्यूटी क्या थी कि ऊपर के जो तीन वर्ग हैं इनको वर्ण सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि वर्ण सिस्टम में ही ये चार तरह के सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था लोगों को सोसाइटी में। और इनका मेन काम क्या था कि ऊपर के तीन ग्रुप जो हैं पीपल्स के, इनकी क्या है, सेवा करना, इनको सर्विस देना। और वो कौन सी सर्विस दी जाती थी, साफ सफाई अपने एरिया में रखना, ये जिस जगह पे ये लोग रहते थे उस जगह की साफ सफाई करने का काम था। तो इस वाले शूद्र कैटेगरी में सेवा करने वाले लोग आते थे। अब एक क्वेश्चन है, ये क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के काम क्या होते हैं, क्या काम करते हैं ग्राम पंचायत, इनकी वर्किंग क्या है, फंक्शन क्या है ग्राम पंचायत के। और हमें पता है, ग्राम पंचायत नाम से ही पता चल रहा है कि ये गांव में होने वाले अफेयर्स, इवेंट्स, एक्टिविटीज़ को मैनेज करते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, इसीलिए ये लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है। क्योंकि हमें पता है लोकल गवर्नमेंट जो है वो दो एरियाज में काम करती है, रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज।
रूरल एरियाज़ में हमारे गांव के एरियाज़ आते हैं और अर्बन एरियाज़ में शहर के इलाके। गांव में हम ग्राम पंचायत करते हैं और शहर में हमारी म्यूनिसिपैलिटी होती है जिसको नगर निगम भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स आइए तो सबसे पहला क्वेश्चन जान लेते हैं। इसका पहला पॉइंट, इसका ग्राम सभा ग्राम पंचायत का काम क्या है? तो सबसे पहला इसमें दे रखा है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि हमारे आसपास में जिस जिस फॉर्म में पानी मिलता है उनका सारी मेंटेनेंस करवाना, अगर कोई ख़राब हो गई है तो रिपेयरिंग करवाना, कहीं पे नहीं है तो कंस्ट्रक्ट नई चीज़ बनवाना। जैसे लोगों गांव में कुआं खुदवाते हैं तो कुआं खोदने की ड्यूटी किसकी होती है? ग्राम पंचायत की। और वहां के आसपास का देखना कि नहर में पानी कितना आ रहा है, कम तो नहीं हो रहा, लोग जो गाँव के वो अच्छे से इरीगेशन कर पा रहे हैं कि नहीं, सिंचाई अपनी फसलों में पानी लगा पा रहे हैं कि नहीं, अपनी क्रॉप्स में। तो ये सारा काम, अब नहर कहीं जा रही है, कहीं नदी जा रही है, तो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट की ड्यूटी ये है ग्राम पंचायत की, उस एरिया में लोगों को वाटर रिसोर्सेज अच्छे से अवेलेबल करवाएं। रोड्स बनाने का काम भी हमारी क्या है? लोकल गवर्नमेंट करती है। गांव में जो रोड बनाई जाती हैं वो ग्राम पंचायत बनवाती है और शहर में जो रोड बनवाती हैं वो हमारी PWD बनवाती है, पावर वर्क्स डिपार्टमेंट, ये हमारे लोकल गवर्नमेंट के अंदर आता है। स्टूडेंट्स ड्रेनेज, हमारे इसमें ड्रेनेज मतलब जितना भी नालियों का पानी है उन सभी की मेंटेनेंस करना, ये भी लोकल गवर्नमेंट का काम है। स्कूल बिल्डिंग्स बनवाना, गांव के एरिया में लोग स्कूल बनवाते हैं और कुछ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं उनकी मेंटेनेंस करना, तो ये सारी ड्यूटी हमारी लोकल गवर्नमेंट ग्राम पंचायत की है, गांव में ग्राम पंचायत काम करवाएगी। सेकंड वर्किंग है, सेकंड फंक्शन है इसका लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस। इसका काम क्या है कि जो भी गांव से जितने भी इनकम आ रही है टैक्स की फॉर्म में उसको कलेक्ट करना और किस चीज़ पर टैक्स लगाना है, टैक्स लगाने का काम और टैक्स को कलेक्ट करने का काम हमारी ग्राम पंचायत करती है। गांव में कैसे फार्मर्स देते हैं कि उनके कितने प्रोड्यूस हो गए हैं, कितना जितना भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है अपनी क्रॉप को उसके बेसिस पर उनको टैक्स देना पड़ता है, या जितने भी गांव में जो लगती है मार्केट उसमें जितनी भी चीज़ उनकी बिकी हैं, जितनी सेलिंग हुई है उसके बेसिस पर उनको टैक्स देना पड़ता है, कुछ फॉर्म होती है टैक्स देने की। थर्ड है एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू जनरल एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। ग्राम पंचायत लोकल गवर्नमेंट का ये भी काम है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चला रखी है कि लोगों को रोजगार कैसे पैदा करने हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे प्रोवाइड करनी हैं, तो इन सभी को फॉलो करवाना, एडमिनिस्ट्रेट करना, ये सारा लोकल गवर्नमेंट मतलब ग्राम पंचायत का काम है। लोकल गवर्नमेंट गांव वाले एरिया में ग्राम पंचायत बोला जाता है, लोकल गवर्नमेंट ग्राम पंचायत की फॉर्म में काम करती है गांव वाले एरिया में, और शहर वाले एरिया में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की फॉर्म में काम करती है। स्टूडेंट्स ये पार्ट की तरफ मूव करते हैं, व्हाट आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस। फोर कार्डिनल डायरेक्शंस कौन से हैं स्टूडेंट्स, आइए जरा जानते हैं। तो हमें पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चार तरह की दिशाएं होती हैं, तो यही हमारे कार्डिनल डायरेक्शंस बोले जाते हैं। ये मैंने ये बना दिया तो ये राइट साइड वाला ईस्ट बोला जाएगा, लेफ्ट साइड वाला वेस्ट, नीचे जो है बॉटम है साउथ और ऊपर जो है वो है नॉर्थ। तो ये हमारे बेसिक डायरेक्शंस हैं जिनको कार्डिनल पॉइंट्स भी बोला जाता है। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतने ही, कुछ क्वेश्चंस हमने पढ़े और कुछ कंट्रीज़ की कैपिटल हमने पढ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियोस में आगे क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू किया जाएगा और डायग्राम्स को एनालाइज किया जाएगा और वर्ल्ड का मैप भी। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। प्रभात शर्मा क्लास से जुड़े रहें। ओके थैंक यू क्लास, स्टे होम।
स्टे सेफ।